नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम टेलर्स भद्रका चैनल में। आज मैं आपको डबल प्लेट वाली पेंट कटिंग करना बताने वाला हूँ, बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। 100% आप कटिंग करना सीख जाएंगे डबल प्लेट वाली। आप किसी भी पेंट की कटिंग कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो। इससे पहले मैंने पेट वालों की डबल प्लेट की पेंट कटिंग करना बताया था आपको, इसमें मैं ये नॉर्मल साइज की पेंट कटिंग करना बता रहा हूँ। डबल प्लेट वाली आप किसी भी नॉर्मल साइज की कटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आपको डबल प्लेट वाली जो नॉर्मल फिटिंग होती है वो करना बताऊंगा। पहले मैंने आपको जो पेट वाले होते हैं उनकी डबल प्लेट वाली पेंट कटिंग करना बताई थी। आज मैं आपको जो नॉर्मल साइज के होते हैं उनकी डबल प्लेट वाली पेंट कटिंग करना बताऊंगा, और आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। आप इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा उससे आप किसी भी पेंट को कटिंग कर सकते हैं डबल प्लेट वाली को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका मेजरमेंट जान लीजिए, 39.5 लेंथ है इसकी, 32 कमर है इसकी, 25 थाई है, 16 मोहरी है, 36 हिप है इसकी। आपको आसान से आसान फॉर्मूला बताऊंगा मैं, ऊपर से एक स्ट्रेट मार्का करेंगे इस एल स्केल की मदद से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मुझसे जुड़े रहें, जो भी वीडियो डालूं मैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ये हमने सीधा मार्क कर लिया। अब देखिए, इंची ऊपर निकालते हुए 39.5 लंबाई है इसकी। 39.5 पर ये देखिए मार्का करेंगे, 39.5। तरपाई के लिए मैं ये जो लूज पेंट है इसमें मैं 3 इंच रखता हूं। ये देखिए घुटने का मार्क लगाएंगे इसमें हम। फिटिंग पेंट में हाफ करने के बाद में मैं 2 इंची ऐड करता हूं, इसमें मैं 2.5 इंची ऐड करूंगा। 39.5 का हाफ हुआ हमारा ये 25 इसमें, और इसमें हम 2.5 इंच ऐड कर देंगे। ये देखिए 2.5 इंच मैंने ऐड कर दिया ये। अब देखिए इसकी लटक का मार्क करेंगे, हमारी हिप है 36। फिटिंग पैंट में हम हिप का 1/4 करते हैं, ये देखिए 1/4। लेकिन ये जो हमारी लूज लूज पेंट होती है थोड़ी, ये डबल प्लेट वाली जो है थोड़ी लूज पेंट होती है, तो इसमें हम 1/4 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। ठीक है, आपको 1/4 इंच प्लस करना है इसमें, जो डबल प्लेट वाली पेंट है उसमें, ये जो थोड़ी लूज होती है इसलिए। ठीक है, अब इस मार्क को सीधा करेंगे हम। ये घुटने का मार्क सीधा करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए ये जो किनारा है यहां से हमारा ये मार्क शुरू होगा, ये हमारा जो मेजरमेंट है यहां से शुरू होगा हमारा। ये हमारी थाई है 25। वैसे तो मैंने ये पैंट का नाप लिया है, जिस वो पैंट पहन के कस्टमर हमारा आया था उसी के हिसाब से मैंने ये नाप ले लिया है। अगर आपके पास थाई का मेजरमेंट नहीं है ठीक है, तो आप हिप के हिसाब से भी थाई का वो लगा सकते हैं मेजरमेंट। देखिए हिप के हिसाब से कैसे लगाना है आपको, हिप का 1/4 करेंगे, 36 हिप का 1/4 हुआ 9 इंच। इसमें
हम जो है फिटिंग पेंट में 2.5 इंच प्लस करते हैं इसमें, जो हमारा फिटिंग पेंट होता है उसमें। लेकिन ये हमारी डबल टैगिंग वाली पेंट है, इसमें हम 3.5 इंच प्लस करेंगे। ये हमको इसमें 3.5 इंच प्लस करना है। हमने ये 3.5 इंच प्लस किया है, तो देखिए हमारा 12.5, 12.5 और 12.5 25, 25 हुआ। और इसकी थाई कितनी है? 25। बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अगर आपको थाई का मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप हिप के हिसाब से ही इस डबल टैगिंग वाली पेंट की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमने दोनों ही आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, इसमें आप किसी भी फॉर्मूले से कटिंग कर सकते हैं। अब 1.5 इंची इधर ये निशान लगाएंगे, मार्किंग करेंगे 1.5 इंची इधर। अब देखिए ये हमारा 11, 11 पर हम ये यहाँ पर एक मार्का कर देंगे। अब यहाँ क्या करना है आपको, ये देखिए ये 12.5 है, इसका हम ये हाफ करेंगे। आप इस तरीके से भी हाफ कर सकते हैं, 6.25 हुआ हमारा ये 6.25। ठीक है, अब यहाँ से ये किनारी से देख लेंगे कितना बैठा है हमारा ये, यहाँ से ये 6.25 है हमारा, तो आपको 6.25 यहाँ पर भी रखना है, ये देखिए, और आपको यहाँ पर भी ये 6.25 रखना है। अब आप इसे स्ट्रेट कर दीजिए। और आप यहां पर भी ये ऊपर भी 6.25 पर लगा लीजिए, ये यहां से 6.25। अब इनको मिलाते हुए आप सीधा कर दीजिए, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, देखिए मोहरी है मेरी 16, 16 का हाफ हुआ 8 इंच, 8 और 8 का हाफ हुआ 4 इंच, तो यहाँ 4 इंच ये रखना है आपको, 4 इंच इधर निशान लगा दिया, और 4 इंच आपको ये इधर लगाना है, ये 8 इंच पर हो गया, ये 16 इंच हो गई मोहरी मेरी। ठीक है, 4 इंच इधर है, 4 इंच इधर, ये हमारी 16 मोहरी का मार्किंग लग चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो मार्का है हमें, इसमें हम माइनस नहीं करेंगे, जो फिटिंग पेंट होती है उसमें इधर हम जो ज्यादा होता है उसे निकाल देते हैं, लेकिन इसमें हम स्ट्रेट ही रखेंगे, क्योंकि इसमें हमारी जो मार्जिन आएगा उसकी हम यहाँ पर टेकिंग देंगे, डबल डबल प्लेट जो पड़ेगी हमारी उसी में पड़ेगी, इसीलिए हमें ये स्ट्रेट रखना है इसमें। अब क्या करना है, देखिए जो पेट वाले पेंट थे उनमें मैंने आप उसमें मैंने आपको 1 इंच यहां से डाउन करना बताया था, ये हमारी नॉर्मल फिटिंग है, तो इसमें हम 0.25 इंच डाउन करेंगे, इसमें हमें 0.25 इंच डाउन करना है खाली, ये नॉर्मल फिटिंग में 0.25 इंच करना है, और मैंने पेट वाली में 1 इंच करना बताया है आपको। मैं आपको जिस हिसाब से बता रहा हूं आप उस हिसाब से कटिंग करेंगे, आप कटिंग करना सीख जाएंगे। यहां से देखिए पॉकेट का मार्कर लगाएंगे, यहां से ये 2.25 इंच पर ये मार्कर लगाना है, और मैं इस पेंट में आपको 6.25 इंच की पॉकेट रखूंगा मैं तैयार। ठीक, ये मेरी 6.25 इंच की पॉकेट तैयार रहेगी इसमें। अब देखिए आपको इससे इस स्केल से आपको इसमें किस तरीके से मार्किंग करनी है वो मैं बता रहा हूं आपको। यहां से आपको ये जो स्केल है, यहां से ये आपको आप इंची टेप से नाप लीजिए, आप कैसे भी इस स्केल का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, जो डबल प्लेट वाली है उस पेंट के लिए। यहां से आप 2.5 इंच ये नाप लीजिए, 2.5 इंच ये ऊपर निकाल दीजिए, यहां से 2.5 इंच ऊपर निकालते हुए, और ये देखिए ऐसे लगा लीजिए, एकदम परफेक्ट बैठेगी ये फंड स्केल जो है आपकी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपको ये मार्किंग कर देनी है, 2.5 इंच ये ऊपर निकालना है इससे। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं आप उसी हिसाब से मार्किंग करेंगे,
आपकी पेंट एकदम परफेक्ट बैठेगी। आप यहाँ थोड़ा दो सूत की करीब इधर तिरछा कर लीजिए, ये आपका जरूरी होता है करने के लिए। इधर भी आपको ये 2.5 इंच निकालना है, ये देखिए इस तरीके से ये मार्किंग कर देंगे हम। इसमें जो हमारी लूज पेंट होती है उसमें हमारे घुटने की मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तो वैसे ही लूज होती है, तो टाइट क्या होगी घुटने पर। ठीक है, ये देखिए इधर भी थोड़ा सा ये तिरछा कर देंगे। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है इसकी। अब हम इसमें आपको जो डबल प्लेट पड़ेगी वो डालना बताएंगे। यहां से हमारी कमर है 32, तो ये कि यहां से आपको मेजरमेंट करना है, ये 1/4 करेंगे 32 का 8 इंच। इसमें आपको 1 इंच ये मार्जिन देना है, ये यहां पर और इस तरफ जाएगा, 1 इंच मार्जिन दिया मैंने। अब कितना बचाइए, मेरा बचाइए 2 इंच। ये जो मेरा 2 इंच बच रहा है एक्स्ट्रा, उसमें हमें क्या करना है, ये दोनों प्लेटें डालनी है हमें। ठीक है, तो यहां से मेरी पहली प्लेट डलेगी, तो मैं पहली 2 इंच में हमें 2 डालनी है, तो पहली प्लेट डालेंगे हम 1/4 इंच की, 1/4 इंच की हमें पहली प्लेट डालनी है। मुझे इसमें 1.5 इंच का गैप दे देना है आपको। ठीक है, ये 1.5 इंच का गैप दे दीजिए इसमें, फिर आप दूसरी के लिए 1/4 इंच ये मार्किंग कर लीजिए। दूसरी 1/4 इंच की डलेगी, पहली ये 1/4 इंच की डलेगी। ठीक, अब क्या करना है आपको, देखिए यहां से ये देखिए आपको इससे ये करीब 1 से 1.5 इंच तक, यहां तक ये लाना है, इस तरीके से ये मार्किंग कर देनी है। ये देखिए, क्योंकि हम जैसे तोड़ते हैं तो ये यहां तक आ जाती है हमारे टूटते वक्त। और इस मार्किंग को भी अब सीधा करना है आपको, ये आपकी यहां तक इससे करीब 1 इंच ऊपर रहेगी ये इसमें मेजरमेंट से। ये देखिए मेरी दोनों जो टेकिंग थी दोनों को मैंने आपको मार्किंग करना बता दिया है। और आपको यहां से जो फिलाई अटैच होगी, यहां से ये 1.5 इंच पर हमारी फिलाई अटैच होगी। ये देखिए यहां से इससे हम ये मार्का करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए मैंने आपको इसकी मार्किंग करना बता दिया, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही मैंने आराम से आपको विस्तार से बताया है कटिंग करना। आप अगर इस हिसाब से कटिंग करेंगे तो आप कटिंग करना सीख जाएंगे। यहां से देखिए आपको जो है यहां से ये जो है यहां से अभी आपको 1.5 से 1.5 सूत ये आपको इधर ये इस तरीके से ऐसे करना है। ये देखिए यहां पर मेरी जो है नोक नहीं बननी चाहिए, ये एकदम से परफेक्ट बैठेगी, तभी ये आपकी फिटिंग अच्छी दिखेगी।
ये देखिए, मैं बता रहा हूँ आप मेरी तरीके से कटिंग करेंगे तो आप कटिंग करना सीख जाएंगे। अब देखिए मैं आपको बैक काटना बताऊंगा। इसके लिए क्या करना है आपको, ये देखिए इसको लेना है आपको और इधर की साइड से इधर को घुमा लेना है। ये देखिए अब यहाँ क्या करना है आपको, देखिए ये जो मैंने 20 सेंटर लगाया था इससे आपको ये नापना है। देखिए ये मेरा 10.5 है, 10.5 ही आपको यहां भी रखना है। ये देखिए 10.5 और यहां भी आपको 10.5 ही रखना, 10.5 ही है। देखिए ये आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है तभी आपकी एकदम स्ट्रेट कटिंग होगी। यहां देखिए अब क्या करना है आपको, इसमें मैंने 0.25 डाउन किया था तो इसमें आपको 1.5 इंच ये उठाना है। ठीक, ये देखिए इसमें आपको 1.5 इंच उठाना है। अगर मैं यहां पर 1 इंच डाउन करता, आपको सभी फॉर्मूले बता दे रहा हूं ताकि आप किसी भी पेंट में आपको दिक्कत ना हो, अगर मैं यहां 1 इंच डाउन करता तो मैं यहां 0.25 इंच उठाता। कहने का मतलब ये है कि आपको जितना भी डाउन करना है उससे आपको 0.25 इंच ज्यादा उठाना है। अगर आपको 0.5 इंच डाउन करेंगे तो उसमें आपको 1.25 इंच उठाना है। कहने का मतलब 0.25 इंच ऐड करके आपको उठाना है उसमें। मैंने इसमें 0.25 इंच डाउन किया है और 0.25 इंच बढ़ा दिया है। कहने का मतलब 0.25 इंच बढ़ाना ही बढ़ाना है आपको। ठीक, चलिए इसकी ये देखिए, एक यहां से ये सीधा करेंगे मार्क और ये देखिए यहां से ये हम 0.5 इंच यहां ये मार्जिन पक्का निकाल देंगे। उसके बाद हम इससे ये मार्किंग करेंगे, हमारी कमर थी 32, 32 का 1/4 हुआ 8, 8 इंच हो गया ये। और 1 इंच जो यहां हमारी टेकिंग पड़ेगी उसके लिए, और 2.5 इंच में इसमें जो लूज और टाइट करने के लिए मार्जिन देते हैं वो दे दिया मैंने। ठीक, अब हम हिप का इसमें मेजरमेंट कैसे करेंगे, देखिए ये जो है यहां से हम 0.5 इंच ये मार्जिन निकाल देंगे। फिटिंग पेंट में हम यहां से नापते हैं लेकिन यहां पर हम यहीं से, देखिए मैं करके बता दे रहा हूं आपको, यहां से 0.5 इंच निकालने के बाद में आपको ये देखिए हिप का 1/4 किया 9 इंच, इसमें लूज पेंट में आपको 1 इंच प्लस कर देना है। देखिए मैंने 1 इंच प्लस कर दिया, ये सबसे सीधा सिस्टम बता रहा हूं मैं आपको। यहां से 0.5 इंच निकालने के बाद में कोई झंझट नहीं है, ये 1/4 किया हिप का और 1 इंच इसमें प्लस कर दीजिए, बस कोई झंझट है ही नहीं है। ये यहाँ आ रही है हमारी इस तरीके से, यहाँ ये लगा देंगे, ये जो मार्किंग है यहाँ मैंने लगा दिया ये। अब देखिए उसमें हम इसकी बराबरी जो मार्किंग करते हैं इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 सूत नीचे डाउन करेंगे और 2 सूत ये ऊपर, इसके 2 सूत नीचे करना है 2 सूत ऊपर करना है इस जब ये डबल प्लेट वाली टेकिंग की पेंट में। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए यहां से आपको 2.5 इंच ये यहां से मार्जिन इसमें देना है, ये 2.5 इंच। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं आप उस हिसाब से करेंगे, आपको कोई दिक्कत कैसी भी नहीं आएगी। ठीक, अब यहां से हम देखिए
इसकी मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये मैंने मार्किंग कर दी है, और अब इसकी भी ये मार्किंग कर देंगे। अब क्या कर रहा है, इसको आपको ये ऐसे, ये नीचे वाला जो है इसमें आपको ये देखिए इसमें, इस पर हमारी ये जो सिलाई आएगी हम वो लगाएंगे, जो जुड़ाई होगी हमारी वो इस पे आएगी, और ये जो है हमारी इस पे हमारी ये कटिंग होगी। ये देखिए इस पर हमारी ये कटिंग होनी है, ठीक। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं। यहां से आपको ये डेढ़ इंच ये रखना है, देखिए डेढ़ इंच, और यहां से लूज पेंट का फॉर्मूला है, लूज पेंट में ये आपको यूज करना है। यहां से हमें ये पौने दो इंच ये रखना है, ठीक। यहां से डेढ़ इंच, पौने दो इंच, ढाई इंच, ठीक। अब क्या करना है आपको, इस स्केल को लेना है, और ये गहराई वाला जो है इस तरफ से आपको ये जहां बैठती है आपको ये तीनों निशान जहां बैठ रहे हैं वहीं पर आपको बिठा के लगा देने हैं। ये देखिए ये मेरे इस जगह पर बैठ रहे हैं तीनों, जहां भी ये बैठे आपको वहीं लगा देने हैं। ये देखिए इसकी मार्किंग हो चुकी है, अब मैं इसकी आपको कटिंग करना बताऊंगा। देखिए इसको और हम सीधा कर लेंगे, ये मार्किंग है हमारी स्ट्रेट पंटी से हम सीधा करेंगे इसे। ये देखिए चलिए इसकी कटिंग करते हैं। इसमें मैं जो है मार्जिन नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरी ये जो मैं मार्जिन जो फिटिंग की पेंट है उन्हीं में रखता हूँ, ये तो मेरी वैसे भी लूज है, ये हमारी ठीक ही बैठेगी। आप रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, जो उस पेंट में रखते हैं फिटिंग पेंट में उस तरीके से, लेकिन मैं मतलब नहीं रखता हूँ, आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए इस पेंट की कटिंग हो चुकी है, ये देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।